हेलो एंड वेलकम टू कुक माई डिश डॉट इन। इंडिया में पनीर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है बिकॉज मेनी ऑफ देम आर वेजिटेरियन, और पनीर का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारी रेसिपीज बनाते हैं, जिनमें से एक मेरा फेवरेट है लसुनी पनीर टिक्का। तो चलिए बनाते हैं लसुनी पनीर टिक्का। सबसे पहले मैं लूँगा एक बड़ा बोल, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैरिनेशन। यहाँ पर मेरे पास है हंग योगर्ट यानी कि चक्का दही, और यहाँ पर मैं गैस ऑन करूँगा, उसमें डालूँगा थोड़ा सा ऑयल, गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी अजवाइन, सम ग्रीन चिली पेस्ट फॉर स्पाइसीनेस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला, सम सॉल्ट, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा भुना हुआ बेसन एंड थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। तो हमारा मैरिनेशन तैयार हो रहा है। यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो चुका है, हल्की सी हल्दी डालूँगा, टर्मरिक फ्लेवर्ड ऑयल बन गया हमारा, वो मैं इस मैरिनेशन में डालूँगा बिकॉज दिस विल गिव अ नाइस कलर। अब मैं इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अब आखिर में इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, फिर से एक टाइम मिक्स कर देंगे इसे। सो आवर मैरिनेशन इज रेडी, इट्स टाइम टू पुट द पनीर इन टू द मैरिनेट, कवर इट विद द मैरिनेट। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो हमारा पनीर अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये 7 स्टिक, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ रेड कैप्सिकम, देन एक पनीर का पीस, और इसमें वेरी जेंटली आई एम गोइंग टू ऐड ग्रीन कैप्सिकम। सो इसकी तरह मैं बाकी के भी पनीर को क्यों मैं अरेंज कर लूँगा। सो लीजिए, तैयार है हमारे पनीर टिक्का। अब मैं एक लूँगा बेकिंग ट्रे ऑलरेडी लाइन विथ एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल इसलिए ताकि ये चिपके ना, एंड देन विथ सम मेल्टेड बटर मैं इस फॉइल को ग्रीस कर लूँगा अच्छे से, और अब मैं स्टार्ट करूँगा अरेंज करना हमारे पनीर टिक्का को। सो अब मैं इसे ओवन में डालूँगा करीब 8 से 10 मिनट के लिए, अनटिल दे आर नाइस चार्ज एंड आर टिक्का आर रेडी। So it's been 8 to 10 minutes, let's check on our paneer. Yes, it is perfectly cooked. जैसे ही ये गरम गरम हम निकाले, इस पर हम थोड़ा सा melted butter brush कर लेंगे। मेरे पास है एक स्लेट और यहाँ पे मेरे पास है कुछ मिंट चटनी, और हमारे पनीर टिक्का को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। Some salad to go on side. So how pretty the plate is looking with our lasuni paneer tikka. अगर आप ऐसे ही अपने गेस्ट को सर्व करोगे तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए डू लॉग ऑन टू कुक माई डिश डॉट इन। आई एम शेफ अफराज साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी बैक सून विद सम मोर एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव रेसिपी जस्ट फॉर यू।